चलिए नई शुरुआत करते हैं, जो औरों से उम्मीद की थी वो अब खुद से करते हैं। इस वक्त हम वंदे ट्रेन में हैं और वंदे ट्रेन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिग्गजों की फौज है। मैं चाहूँगा कि आप बाहर का नज़ारा ज़रूर पहले दिखाएं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, और जो लोग चंडीगढ़ से चलेंगे और अंबाला से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे उनके लिए बेहद खूबसूरत ये जर्नी रहने वाली है। सीएम साहब हमारे साथ है, हमारे साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी है। अश्विनी वैष्णव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कितना बड़ा ये चैलेंज था और उस चैलेंज को पूरा करने के बाद क्या फील? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के इंजीनियर्स पे, देश के टेक्नीशियंस पे, देश पे एक अडिग विश्वास रखा। इसी अडिग विश्वास से बनी ये ट्रेन 75 ट्रेन की कड़ी में चौथी कड़ी है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऊना हिमाचल से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है। हिमाचल को, पंजाब को और हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात है। नया चैलेंज भी रहता है, जब उम्मीदें बढ़ती है तो बुलेट ट्रेन की तरफ और हिमाचल में और कनेक्टिविटी बढ़े उसकी तरफ किस तरीके से जाने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं? नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होता है। हर एक वर्जन में नए डेवलपमेंट्स आते हैं, नए इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, और उससे ट्रेन का और स्टेशंस का, ट्रेन्स का, ट्रैक्स का, सभी का इम्प्रूवमेंट एक साथ सभी डायमेंशंस पे काम हो रहा है। तो देश में जो एस्पिरेशन है हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स देखने का, उससे ट्रैवल करने का, वो एस्पिरेशन पूरा होगा। सीएम साहब भी हमारे साथ है, नया आगाज़ है, इस नए आगाज़ को कैसे देख रहे हैं, पहला ये सफ़र है, कितना खास? देखिए, एक बहुत अच्छा एक अनुभव आ रहा है कि ये जो ट्रेन है एक अच्छी स्पीड की ट्रेन है, बिना जर्क्स के चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन जो ये है हरियाणा के लोगों को बहुत लाभदायक होगी। जैसा ये ऊना और दिल्ली की ट्रेन है, इसी प्रकार से दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन वो भी अंबाला में रुकती है, तो दोनों ट्रेन का हमको लाभ होगा। चार ट्रेन चली हैं जिसमें से दो ट्रेन हरियाणा को टच कर रही हैं, एक बहुत बड़ा लाभ हमको हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, जब लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन उम्मीदों का प्रेशर खुद पर देख रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं परफॉर्म करना है? नहीं, देखिए कोई प्रेशर नहीं होता है, आखिर काम करना, कर्मयोगी होकर के सब लोग हम लगे हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे रेलवे मंत्री हैं और भी बाकी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, कर्मयोगी बनकर के काम करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, जैसी अपेक्षा लोगों की उसको पूरा करेंगे। बेहद शुक्रिया। तो आपने सुना सीएम मनोहर लाल को और साथ ही साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी, और पूरे तरीके से एक्सपेक्टेशन लोगों की है, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन के बीच में कैसे परफॉर्म करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। वंदे ट्रेन से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्य समाचार।